आज हम सरवाइव करने वाले हैं 25 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, हार्डकोर सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अगर हम एक बार मर जाते हैं तो हम दोबारा रिस्पॉन नहीं हो सकते एंड ना ही अपने वर्ल्ड को किसी भी तरीके से रिकवर कर सकते। एंड हम हार्डकोर में भी 1 to 25 डे सर्वाइव करने वाले हैं। एंड जो 1 to 25 वाली या फिर 1 to 100 डे वाली जो वीडियो होती है ना, इनमें हम नॉर्मली नहीं खेल सकते जैसे हम सर्वाइव सीरीज में खेलते हैं। अच्छा, ये जैसे पता ही नहीं था हमें, क्योंकि अगर हम इनमें नॉर्मली खेलेंगे ना तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर क्यों? तो इसलिए इसमें हमें अपना गोल सेट करना होता है, तो मैंने भी अपने 3 गोल सेट किए। तो जो अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो मेरा गोल है नंबर फर्स्ट है ना, वो एक अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाना एंड दूसरा है अपने लिए एक हाउस बनाना एंड तीसरा मेरे को अपने लिए एक डायमंड आर्मर बनाना। और भाई मैं आपको बता दूं, ये सीरीज में हम हर एपिसोड में 25 डे सर्वाइव करने वाले हैं। अगले एपिसोड में हम 25 से 50 करने वाले हैं, तो ऐसे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड भाई तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो इसीलिए भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो डे 0 को मैं स्पॉन हो गया एक ओशन के पास एंड वहाँ पे मेरे एक फैमिली ट्री भी था, तो फिर मैंने क्या किया ना, वहाँ पे मैं सीधा गया एंड वुड काटने लग गया। एंड वुड काटने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे गया एंड क्राफ्टिंग टेबल बनाई। एंड क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए पिकैक्स बनाई। पिकैक्स बनाने के बाद जब मैं स्पॉन हुआ तभी से मेरे को एक पिक दिख रहा था, तो मैं उसे मारना चला गया। एंड उसके बाद मेरे को वही चाहिए थे स्टोन, तो मैं स्टोन के लिए गया एंड तभी मेरे को मिले शुगर कैंस, तो मैंने वही शुगर कैंस लिया एंड उन्हें रीप्लांट कर दिया, क्योंकि मैं अभी शुगर कैन फार्म नहीं बनाने वाला। एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर में आगे गया था, मेरे को स्टोन भी वहाँ पे मिल गया, तो मैं स्टोन माइन करने लगा। एंड थोड़े से स्टोन माइन करने के बाद मैंने अपने सारे जो टूल्स होते हैं उन्हें स्टोन में अपग्रेड कर लिया। एंड स्टोन में अपग्रेड करने के बाद मैं अपने वर्ल्ड में यूं ही घूम रहा था। एंड थोड़ी बहुत मैंने वुड काटना शुरू कर दिया एंड वुड काटते मैं थोड़ा आगे आ गया एंड वहाँ पे मेरे को मिला एक सैंड, मतलब रेत का आइलैंड, जिससे हम अपने हाउस में जब हमें ग्लास की जरूरत होगी तो हम यहाँ से रेत ले जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है। एंड उसके बाद मैं जब घर जा ही रहा तभी मेरे को दिखा एक विलेज। एंड भाई पर्सनली मैंने इस वर्ल्ड को रेंडम भी क्रिएट किया है एंड मेरे में सीड मतलब जो विलेज है वो आ गया, वो रेंडम भी आ गया, वो मेरी किस्मत थी। नहीं लगता मेरा आप कह सकते हैं। तो फिर मैंने क्या था भाई, इस विलेज को लूटना स्टार्ट किया एंड मैं विलेज को लूट रहा था, तब मैं आया ब्लैक स्मिथ के हाउस में। ब्लैक स्मिथ के हाउस में जैसे मैं अंदर गया एंड मैंने चेक किया एंड मेरे को 6 डायमंड मिल गए, जो कि वो बहुत अच्छी है हमारे स्टार्टिंग थे सीरीज के। एंड मेरे को एक डायमंड हॉर्स साथ में भी मिला। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने अपने आयरन गोलम को मारा था एंड मैं सोच रहा था कम से कम इसको इससे 5 to 6 आयरन मिल जाए, लेकिन मेरे को 3 ही मिले। तो मैंने डायमंड की शॉर्ट एंड पिकेक्स बनाई एंड एक अपने लिए बकेट बनाई। एंड बकेट बनाने के बाद फिर मैं यहीं पर घूम ही रहा था विलेज में एंड मेरे को एक भी फार्म नहीं दिख रहे थे। फिर मेरे को एनिमल्स दिखे, तो एनिमल्स को मैंने फुल चॉट में मारा, क्योंकि मेरे पास डायमंड के टूल्स एंड आर्मर। क्या बोला तूने? चीटिंग करता है तू। सॉरी, डायमंड के टूल्स आर्मर नहीं। फिर मेरे 2 लास्ट हाउसेज रह गए थे, तो मैं उन्हें भी लूटने लगा। एंड तभी मैंने हाउस जब लूटे तब मैंने देखा एक ही हमारे इस विलेज में फार्म है एंड उस पर एक विलेजर बहुत मेहनत से काम कराया, तो हमने उसकी मेहनत टेस्ट किया एंड उसके सारे फार्मिंग तोड़ लिया एंड उसे रीप्लांट कर लिया ताकि वो गुस्सा ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चिकन आया जो कि खाना मांगने आया था, लेकिन हमने उसे अपना खाना बना लिया। गजब बेइज्जती है। एंड उसके बाद हम चले गए अपने भाई, क्योंकि नाइट हो गई थी, तो हम पहले गए एंड अपनी फर्स्ट नाइट को एक विलेजर के बेड पे सो गए। वो उठते ही हमने अपना टट्टी का लोटा लिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लोटा, ये अश्लील है ये लोटा। रुको जरा, सबर करो। टट्टी का लोटा लेने के बाद हम गए सीधा पानी भरने। पानी भरते हमने देखा एक नरक का दरवाजा, टूटा हुआ नरक का दरवाजा, मेरा मतलब रेंट पोर्टल। तो हम उसमें गए उसे अपने लूटने लगे एंड उसे लूटने के बाद मेरे पास स्पेस की कमी हो रही थी, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने जो फालतू सामान था वहीं फेंक रख दिया एंड अच्छा सामान लेके मैं चला गया। एंड वहाँ से आने के बाद मैंने अपने जो घर के लिए थोड़ा सा एरिया क्लियर किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया एंड मेरे पे थोड़े और शुगर कैन थे, तो मैंने उन्हीं शुगर कैन को प्लांट किया डे 1 में। एंड डे 1 में फिर मैंने एक काउ देखी, मैंने डे 1 को इस काउ को भी मारा। एंड इतना करने के बाद फिर मैं अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल दिया, मैं उसे रखने लगा एंड यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट में अपना सामान भी रखना था, तो फिर मैंने यहीं पे एक क्राफ्टिंग टेबल रख दी और उसमें चेस्ट में उसमें सामान रख दिया। तभी मैंने देखा कि ये मेरे कोऑर्डिनेट नामक वस्तु है, मतलब कोऑर्डिनेट नामक की जब वो मेरे चालू नहीं है जिससे हम अपनी पोजीशन देखते हैं, तो मैंने उन्हें चालू कर लिया। एंड उसके बाद मैं वहाँ से जा ही रहा था तभी मेरे को देखा वहाँ पे एक काला पदार्थ, फिर क्या आई मीन मेरा मतलब कोल, तो मैंने वहाँ से कोल लिया, कोल लेके मैं जा ही रहा था। एंड तभी मेरे को वह एनिमल दिखा एंड एक माइंड दिखी, माइंड में गया तो मेरा पोपट हो गया, वहाँ पे बहुत सारा वाटर भरा हुआ था। तो फिर मैंने थोड़े से भाई एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उन्हें मारा एंड थोड़ा पाप कमाया। पाप कमाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत काउ को मार के खाना कमाया एंड उसके बाद हमारी डे 1 की भी नाइट हो गई, तो मैं सो गया। एंड उसके बाद आ गया था हमारे डे 2। डे 2 को मैं यहीं पर डोल रहा था एंड मेरे को एक माइंड चाहिए थे एंड तभी मेरे को एक माइंड मिली, लेकिन हम इस माइंड में अभी नहीं आएंगे। एंड मगर क्यों?
रुको जरा, सबर करो। माइंड में क्यों नहीं जाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो इसलिए ठीक है, इसलिए वही वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एंड उसके बाद मैं आगे अपने घर पे, घर पे आने के बाद मैं निकल गई जो जंगल था ना उसकी साइड, उसकी साइड जाने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारी मतलब लकड़ी काटने लगा। एंड लकड़ी काटते काटते मेरे को वही बहुत थोड़ी देर हो गई थी, फिर मैं आया घर पे एंड मैंने वहाँ पे कैंप फायर बनाई, क्योंकि मेरे पे इतना काला पदार्थ नहीं था कि मैं उससे अपना मतलब फूड कुक कर सकूँ, इसलिए मैंने कैंप फायर बनाई जिससे मैं अपना ईजिली फूड कुक कर सकता हूँ। फिर मैंने डे टू गए अपने कैंप फायर बना के सारा फूड कुक कर लिया। एंड डे टू को इतना काम करने के बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था, एंड फिर मैंने सोचा चलो अपने घर के लिए सैंड ले आते हैं, आई मीन मतलब रेत, जिससे हम अपने लिए ग्लास बनाएंगे। फिर मैं आया यानी आप सैंड कलेक्ट करने लगा। थोड़ी देर सैंड कलेक्ट करने के बाद मेरे को वहाँ पे क्या एंड उसमें मेरे को डायमंड भी मिले जो कि भाई मेरे को रैंडमली मिले, मेरे को कुछ नहीं पता यहाँ पे होंगे। एंड फिर हम डे टू को नवे नाइट हो गई थी तो मैं आके सो गया। एंड डे थ्री को जैसे मैं सुबह उठा तो मेरे को वहाँ पे थोड़ी बहुत जॉम्बी दिखे तो मैंने जॉम्बी को मारा। उसके बाद मैंने वही सोचा कि मेरे को कोई भी अच्छी माइन नहीं मिल रही, फिर मैंने उसी जो यहाँ पे अपना स्टोन कलेक्ट किया था वहीं पे मैंने अपने एक माइन बनाने का सोचा। एंड फिर मैं माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। डे थ्री को हमें हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट आयरन मिला जो कि माइनिंग में आयरन मिला था फर्स्ट। एंड फिर मेरे को एक केव भी मिली, फिर मैंने सोचा चलो इस केव को एक्सप्लोर कर आते, लेकिन जो रोशनी पैदा करने वाला यंत्र था ना, आई मीन मेरा मतलब टॉर्च जो कि हमारे पास खत्म हो गई थी तो मैं नहीं जा सकता था। फिर मैं ऊपर आ गया अपने वर्ल्ड में। एंड ऊपर आने के बाद मैंने अपने घर के लिए स्टोन कलेक्ट किया। एंड मेरे को स्टोन कलेक्ट करते पता ही नहीं पड़ा कब रात हो गई, तो मैं वहाँ पर डे थ्री की नाइट को भी सो गया। एंड फिर आ चुका है हमारा डे फोर। एंड डे फोर को मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था कि कहीं पर जॉम्बी वॉम्बी तो स्पॉन नहीं हुए। फिर थोड़ा बहुत फूड कुक करने के बाद मैंने स्लैब बना के एंड जो मेरे पास आयरन था उसे स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। एंड उसके बाद मैंने थोड़े बहुत एनिमल्स को मारा ताकि मेरे पास फूड की कमी ना हो। एंड मेरे को यहाँ पे बी भी दिख रही थी तो बी नेक्स्ट भी यहीं कहीं होगा। फिर मैंने थोड़ी बहुत लकड़ी काटी अपने हाउस के लिए। एंड फिर मेरी तभी स्टोन की एक्स टूट गई डे फोर को। फिर मैंने अपनी आयरन की एक्स डे फोर को लकड़ी का काटना स्टार्ट किया। फिर मैंने और फर्नेस बनाया जिसमें मैं अपने स्टोन को स्मेल्ट कर सकूँ, मतलब कॉबल स्टोन को स्मेल्ट कर सकूँ स्टोन में, तो मैं अपना ब्रिक बना के अपना हाउस बना सकूँ। फिर मैंने यहाँ पे टोटल 8 फर्नेस बना लिए थे एंड उसमें मैंने स्टोन एंड रेत वगैरह रख दी थी। फिर हमारे डे फोर की भी नाइट हो गई एंड फिर हम डे फोर को भी सो गए। डे फोर को सोने के बाद जैसे मैं उठा डे फाइव को एंड मैंने थोड़ा बहुत स्टोन वगैरह चेक किया। एंड उसके बाद मेरा जो कोल था मैंने कोल भी बना लिया क्योंकि मेरे पास कोल नहीं था, तो मैंने इसलिए वुड से वही चार कोल बनाया। फिर मैं आया अपने नरक के दरवाजे में पीला पत्थर लेने, आई मीन गोल्ड ब्लॉक। एंड गोल्ड ब्लॉक को लेने के लिए मेरे को काला पत्थर तोड़ना पड़ रहा था, मेरे को मतलब मेरा मतलब ऑक्सीडियन, तो मैंने एक ऑक्सीडियन तोड़ा। एंड फिर मेरे को नहीं मिला गोल्ड ब्लॉक तो मैंने दूसरा ऑक्सीडियन तोड़ा, तब मेरे को हमारा पीला चमकीला पत्थर मिला जो कि था गोल्ड ब्लॉक। उसे लेके मैं उस केव में गया जिसे मैंने कहा था मैं हम बाग में एक्सप्लोर करेंगे। उसे मैं जैसे ही मैं अंदर गया मेरे को पता पड़ा उसने बहुत सारा वाटर भरा हुआ है। तो मैं सीधा अपने आ गया घर की तरफ। जाने के बाद मैं अपनी माइंड में गया, माइंड में जाने के बाद मेरे को वहाँ पे एक जॉम्बी मिला एंड उसके बाद जॉम्बी का पूरा परिवार मिला एंड मैंने उसे भी मार दिया। एंड डे फाइव को ही मैं उन परिवार को मार रहा था एंड थोड़ा पाप को मार रहा था। एंड फिर डे फाइव को मेरे को बहुत सारा आयरन मिला एंड आयरन के साथ साथ मेरे को और भी चीज़ें मिली जैसे कि रेड स्टोन मिला। एंड फिर मैं रेड स्टोन मान के फिर हमें हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट क्रीपर मिला, उसे हमने इजीली मार दिया। फिर वहीं पे मेरे को हमारे वर्ल्ड का पहला गोल्ड भी मिला तो मैंने गोल्ड को भी माइन किया। गोल्ड को माइन करने के बाद मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखा एंड मैं -58 कोऑर्डिनेट के लिए निकल गया। तभी हमारा डे सिक्स भी हो गया था, मैंने नोटिस नहीं किया। एंड उसके बाद फिर क्या हमारा डे सिक्स हो चुका था फाइनली। फिर क्या मैं यहाँ पे माइनिंग करता रहा एंड माइनिंग करते करते मेरे को लगा कि हमें सो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ थंडरस्टॉर्म हो रही थी। फिर हमने सो गए डे सिक्स की नाइट को एंड फिर हमारा फाइनली डे सेवन हो गया था। एंड डे सेवन को फिर मैंने माइनिंग की एंड मैं डे सेवन को ही -58 कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया। फिर मैंने थोड़ा एक अपने लिए एक रूम बनाया। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेट माइनिंग स्टार्ट कर दी डायमंड के लिए एंड फिर मेरे को एक डायमंड मिल गया। एंड मेरी इतनी अच्छी किस्मत थी कि मेरे को एक डायमंड मिला, तो मैंने उसे एक डायमंड को माइनिंग किया। एंड फिर मैं आगे माइनिंग कर रहा तो मेरे को फिर से डायमंड मिला। यहाँ पे मेरे को बस मिला एक ही डायमंड, मतलब एक एक डायमंड मिल रहे थे, मेरे को पता नहीं क्या ही बुरी किस्मत थी मेरी। फिर थोड़ी बहुत माइनिंग करते रहा एंड फिर माइनिंग करने के बाद मैं आ गया ऊपर। एंड ऊपर आने के बाद वही डे जो हमारी सेवन थी उसकी भी नाइट हो गई तो मैं सो गया। एंड फिर हमारा फाइनली डे एट आ गया एंड वहाँ पे एक क्रीपर मिला। मैंने डे एट को एक पहले क्रीपर मारा, क्रीपर मारने के बाद जो हमारे मतलब स्टोर्स थे वो स्मेल्ट हो गए, तो फिर मैंने उन्हें ब्रिक में कन्वर्ट कर लिया अपने हाउस को बनाने के लिए। फिर मैंने थोड़े बहुत स्टोन्स को कन्वर्ट करता रहा डे एट को, थोड़ा बहुत अपने मतलब स्टोन्स को ब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद मैंने अपने जो हाउस के लिए एक मैप बनाया, मेजरमेंट किया, मैं सस्ता इंजीनियर बन गया। सस्ता इंजीनियर बनने के बाद मेरे घर का जो नक्शा है वो तैयार हो गया। एंड उसके बाद मैंने अपना आयरन कार्बन तो बनाया ही नहीं क्योंकि मेरे को ऐसे ही आयरन मिल गया था डला हुआ, तो मतलब थोड़ा बहुत पहन लिया। उसके बाद मैंने अपने हाउस का जो काम था उसे मैंने कम्प्लीट स्टार्ट कर दिया एंड फिर मैं अपने हाउस का स्ट्रक्चर बनाने लगा। एंड फिर मेरे को डे एट को ही मेरा हाउस का जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने डे एट को ही अपने मतलब सेकंड फ्लोर का स्ट्रक्चर का काम शुरू किया। फिर मेरे को डे एट की नाइट हो गई। फिर मैं
सो गया एंड वही सुबह हो गई तो मैं हमारा डे 9 आ गया था। डे 9 को भी मैंने अपने हाउस के स्ट्रक्चर का ही काम किया एंड वैसे करता रहा। डे 9 को हमारे हाउस का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो बन के कम्प्लीट हो गया। फिर मैं अपना वुड का काम करने लगा एंड मैंने बहुत सारे स्लैब बनाए, लेकिन तभी मेरे को ज्ञात हुआ कि मेरा हाउस थोड़ा छोटा बन गया था तो मैंने एक ब्लॉक उसे एक्सटेंड किया। उसके बाद मैंने फ्लोरिंग के लिए मैंने वहाँ पे बहुत सारी डर्ट को हटाया एंड वहाँ पे फिर मैं प्लैंग आई मीन फ्लोरिंग करने लगा एंड फिर क्या हमारी डे 9 को फ्लोरिंग कम्प्लीट हो गई। उसके बाद में बचे हुए जो वॉल होती है ना उनको एक काम करने लगा जो कि मैं प्लैंग से बनाने वाला था। डे 9 को ही मैंने नीचे का काम कम्प्लीट कर दिया एंड फिर मैंने डे नाइन की नाइट हो गई थी तो मैं डे 9 की नाइट को सो गया। एंड फिर क्या था भाई सुबह उठा मैं हमारा डे 10 हो गया था। डे 10 को मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे जो अपना हाउस था उसे कंप्लीट किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे वर्ल्डिंग ट्रेडर भी स्पॉन हो गया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसके लामा एंड उसको भी मार दिया। मैंने उसे मारने के बाद मेरा हाउस कुछ ऐसा लग रहा था, फिर मैंने उसमें टॉर्च एंड गेट का काम किया एंड फिर अब भाई मैं उसको जो मेरा हाउस उसे डेकोरेट करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा। 6.5 hours later फिर डे 11 को मैंने पूरा उसे हाउस को डेकोरेट किया एंड फिर हम फाइनली डे 12 को मेरा हाउस कंप्लीट हो गया था। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना हाउस, जैसे हमारा हाउस कुछ ऐसा लग रहा है जो कि आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरे को एक मतलब डॉग भी मिला तो मैंने उसे भी टेम कर लिया एंड यहाँ पे फर्नेस है, स्टोन कटर है एंड ऑटोमेटिक फूड कुकिंग सिस्टम है एंड यहाँ पे चेस्ट एरिया है, यहाँ पे मैं अपना सामान रखता हूँ। अगर वहीं आप पीछे जाओ तो एक लेडर है, लेडर के ऊपर आपको बेड और 2 chests एक क्राफ्ट टेबल मिलेगी एंड यही तो हमारा छोटा सा एक स्वीट होम। एंड आपको बताना कमेंट करके आपको ये हाउस कैसा लगा। एंड फिर क्या डे 12 को मैंने अपने आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही देखता रहा कि मैं इतना सुंदर हूँ क्या करूँ। फिर मैं डे 12 को निकल गया माइनिंग के लिए क्योंकि मेरे को अपने लिए एक डायमंड का आर्मर भी बनाया था। एंड डे 12 को मैं सीधे नीचे पहुँच गया, उसके बाद मैंने माइनिंग अपनी कंटिन्यू रखी। डे 12 को हमें डायमंड मिल गया तो यहाँ पे मेरे को नहीं पता कितने डायमंड, तो मेरे को यहाँ पे 3-4 डायमंड मिले अप्रॉक्स, मेरे को याद नहीं है। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे माइनिंग कंटिन्यू रखी एंड फिर डे 13 को हमें रेडस्टोन मिला तो मैंने रेडस्टोन को भी माइनिंग किया। रेस्टोरेंट को माइनिंग करने के बाद हमने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखा एंड डे 13 को फिर से हमें डायमंड मिला तो हमने फिर उसे भी कलेक्ट कर लिया। एंड मेरे को कंफर्म नहीं याद कि डायमंड कितने मिले थे। माइनिंग करने के बाद यहाँ पे मैं चला गया एंड फिर मेरे को डे 13 को थोड़ा सा लैपिस मिला तो मैंने लैपिस को भी कलेक्ट कर लिया। डे 13 को मेरे को यहाँ पे लगा कि एक केव है तो मैं उसके अंदर गया एंड वहीं पे मेरे को स्केलेटन ने मारा, तो भाई मैं जल्दी से नीचे आया। मैंने जैसे ही उस केव को मैंने जल्दी से जाकर उस केव को बंद कर दिया एंड बंद करने के साथ साथ वहाँ पे एक जॉम्बी आ गया एंड जॉम्बी को मैं मार रहा था तभी मेरे डॉग को भाई जॉम्बी ने मार दिया एंड भाई उसकी डेथ हो गई। भाई मैंने कुछ नहीं किया, डे 13 को ही अपनी माइनिंग थी उसे कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैं डे 14 को बाहर आने लगा। फिर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक की माइनिंग की थी, मैंने सोचा उसे भाई 2 ब्लॉक का करते हैं, वहाँ पे भी हमें डायमंड मिल सकते हैं। फिर कहा मैंने डे पूरे 14 को वहाँ का एक ब्लॉक को 2 ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया एंड उसके बाद हमारी जो इन्वेंटोरी फुल हो गई थी तो मैंने वहाँ पे चेस्ट बना के उसमें स्टोन को भर दिया सारे। एंड उसके बाद मैंने अपनी माइनिंग को फिर से कंटिन्यू रखा एंड यहाँ पे मैं अपनी 2 ब्लॉक की माइनिंग कर रहे थे वहाँ पे गया एंड फिर मेरे को थोड़ा बहुत लावा मिला डे 14 को ही। अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखा एंड डे 14 को हमें कम से कम अप्रॉक्स 4 डायमंड्स मिले तो मैंने उन 4 डायमंड्स को कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैंने डे 14 को भी माइनिंग कंटिन्यू रखी एंड फिर हमारे डे 15 आ गया एंड फिर हमें डे 15 को भी डायमंड्स मिले। फिर हमने डे 15 को डायमंड माइन किया जो कि हमें 3 या 4 डायमंड मिले थे अप्रॉक्स, मेरे को याद नहीं है। एंड उसके बाद फिर मैंने डे 15 को अपनी माइनिंग को बंद करा एंड यहाँ पे जो हमारे चेस्ट थे उसमें मैंने स्टोन वगैरह किया एंड डायमंड्स लेने लगा अपने। एंड उसके बाद जो हमारा एरिया था जो हमने 1 ब्लॉक की माइनिंग की थी उसे मैंने 2 ब्लॉक में फिर से कन्वर्ट किया एंड फिर हमारी वो कम्प्लीटली पूरी 2 ब्लॉक की माइन बन चुकी थी, मतलब 4 ब्लॉक की माइन बन चुकी थी। फिर मैंने डे 15 को थोड़ी बहुत ऐसी माइनिंग करता रहा पता नहीं क्यों एंड फिर मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं मिला एंड पर वहाँ पे स्लाइम स्पॉन होगी तो मैंने थोड़ी बहुत स्लाइम बॉल इकट्ठी कर दी। एंड डे 15 को इतना करने के बाद मैं ऊपर जा ही रहा था। डे 15 को फिर नाइट मिस हो गया। डे 15 को नाइट मिस होने का हमारा डे 16 हो गया था। डे 16 को मैं ऊपर आया एंड मैंने अपना थोड़ा बहुत समय इधर रखा चेस्टों में एंड फिर मैं अपने आप को निहारने लगा कि मैं इतना सुंदर हूँ कि मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने अपने सोचा कि अपने शुगर कैंस के लिए एक फार्म बनाते हैं। फिर मैंने जो भी शुगर कैन प्लांट किए थे मैंने लेके आ गया। फिर मैंने अपने शुगर कैन का फार्म का काम शुरू कर दिया डे 16 को। फिर उसके बाद मैं उसे काम को थोड़ा बहुत करता एंड भाई जब मैंने माइनिंग करने के बाद अपना फ़ोन रख दिया था एंड जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरा पता नहीं डॉग से जिंदा हो गया, पता नहीं कैसे माइनक्राफ्ट के सस्ते नहीं है, गजब बेइज्जती है। तो कुछ नहीं, फिर मैंने डे 16 को भी अपने फार्म का काम कंप्लीट किया जो कि मैंने होल डिक कर लिए थे। फिर मैंने उसमें वाटर डाला थोड़ा बहुत एंड उसके बाद डे 16 की नाइट हो गई तो मैं सीधा सो गया। और डे 17 की सुबह को मैंने अपने जो थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज को मारा जो कि एक दो मेरे वर्ल्ड में स्पॉन हुए थे, तभी मैं स्केलेटन को मार रहा था एंड तभी पीछे से क्रीपर फटा एंड मैं भाई मरने से भाई बचा बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर क्या मैंने उसे पूरा पैक कर दिया जो कि मैंने एरिया को खोल रखा था। उसके बाद मेरा जो वाटर डालने के बाद मैंने शुगर कैन तो उन्हें मैंने प्लांट कर दिया एंड उसके बाद मेरे को फार्म बनाने के लिए अपने वुड चाहिए थे तो मैं डे 17 की थोड़ी बहुत वुड माइनिंग पे चला गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है,
अच्छा है मैं अंधा हूँ। डे 17 को वुड माइनिंग करने के बाद घर पे दोबारा आ गया, दोबारा निकल मैंने, तभी मेरे डे 17 की भी नाइट हो गई थी तो, लेकिन मैंने एक ब्लॉक ज्यादा मतलब डिक कर लिया था तो मैं उसे फिल करने लगा। एंड डे 17 उसे फिल करने के बाद मैं यहाँ पे सो गया डे 17 को भी नाइट में। एंड फिर हमारे डे 18 आ गया, डे 18 को मैंने एक क्रीपर को मारा, डे 18 को एक क्रीपर को मारने के बाद मेरा कुछ ऐसा हो गया था। एंड फिर हमारे डे 18 को हमने अपना फार्म कंप्लीट कर लिया था, गर्गन फार्म को कंप्लीट करने के बाद मैं अपने शिप फार्म के काम पे लग गया। एंड फिर क्या मैं उस फार्म को करने लगा। एंड उसके बाद डे 18 को मैंने अपने शिप फार्म को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मेरे को एक प्यारा सा हॉर्स दिखा, लेकिन हमारे पास सेडल नहीं थी तो इसलिए हमने उस हॉर्स को मार दिया। यस, उसके बाद मैं अपने फार्म के लिए शिप ढूंढने लगा। एंड मेरे को शिप नहीं मिल रही थी तो इसलिए मैं थोड़े बहुत यहीं पे जो एनिमल्स थे उन्हें मारने लगा। एनिमल्स को मारने के बाद डे 18 की नाइट को फाइनली हमें 3 शीप्स मिली तो मैंने उन्हें ले जाकर अपने फार्म में डाल दिया। एंड फार्म में डालने के बाद मैं घर जाकर डे 18 की नाइट को सो गया। एंड डे 19 को हमने 2 शीप्स को खाना खिलाया, एक को नहीं खिलाया क्योंकि वो ब्रीडिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास उसका कोई भी पार्टनर नहीं था। डे 19 को मैं अपने विलेज में गया। विलेज में जाने के बाद मैंने देखा कि जो हमारा विलेजर्स था, वो जो कि निठल्ला विलेजर था, उसने अभी बिल्कुल भी फार्मिंग नहीं किया। एंड मेरे को गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए खुद का एक फार्म बनाएंगे। फिर क्या मैं अपने फार्म के काम पे लग गया। एंड मेरे पास वुड नहीं थी, फिर क्या मैं अपने फार्म के लिए वुड काटने आ गया। एंड वुड काटने बाद मैंने अपने फेंसेस बनाए एंड अपने फार्म को कंप्लीट कर लिया। डे 19 की नाइट को थोड़ा बहुत रह गया था तो मैंने उसे डे 20 को कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद हमारा फार्म कुछ ऐसा लग रहा था एंड थोड़ा बहुत हो गया एंड फार्मिंग का काम रह गया तो मैं उसे भी पूरा करने लगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब हमें बनाना अपने लिए फुल डायमंड आर्मर। एंड उसके लिए हम पर थोड़े डायमंड्स कम पड़ रहे थे। फिर क्या था, मैं डे 20 की नाइट को सो के एंड डे 21 को मैं सीधा निकल गया माइनिंग पे। एंड जब मैं माइनिंग पे जा रहा था मेरे को याद आया कि मैं अपने टॉर्चेस नहीं लेके आया। फिर क्या मैं दोबारा से बाहर गया एंड अपनी टॉर्चेस भी लेके आया था। एंड उसके बाद फिर मैंने डे 21 को अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखी। एंड डे 21 को कुछ देर माइनिंग करने के बाद मेरे को वहाँ पे एक डायमंड मिला, जो कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी तो मेरे को एक दो ही डायमंड मिल रहे थे। फिर मैंने डे 22 को भी माइनिंग अपनी कंटिन्यू रखी एंड डे 22 को भी हमें फाइनली डायमंड मिले। एंड मेरे को पता था वो 2 से 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे एंड यस वैसा ही हुआ, मेरे को वहाँ पे 3 डायमंड्स ही मिले। एंड फिर क्या था, उन 3 डायमंड्स को कलेक्ट करने के बाद मैंने डे 22 को मैंने पूरी माइनिंग किया। एंड फिर जाकर डे 23 को हमें डायमंड मिला एंड मैंने उन्हें भी कलेक्ट किया। वहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा डायमंड मिले जो कि 5 से 6 थे करीब। एंड फिर हमारे डे 23 पे मैंने अपनी सारी पिकेक्स को तोड़ लिया, डायमंड की को भी। फिर मैं घर पे आ गया ऊपर। एंड ऊपर आने के बाद मैंने अपने जो पूरे डायमंड्स थे उन्हें निकाला। एंड फिर मैंने डिसीजन लिया अब हम फाइनली अपने वही कवर होने वाले हैं पूरे डायमंड में। फिर मैंने अपने लिए एक डायमंड का पूरा आर्मर बनाया। एंड आर्मर बनाने के बाद फिर मैंने अपने लिए एक पिकेक्स बनाई। एंड पिकेक्स बनाने के बाद फिर मैं अपने डायमंड के जो आर्मर था उसे पहनने लगा। एंड तभी तक हमारा डे 24 भी हो चुका था। एंड मैंने सोचा कि इस डे को मैं किसी भी एनिमल्स को मारूंगा नहीं एंड कुछ भी उल्टे काम नहीं करूँगा। फिर क्या मैंने जो भी मेरी सारी शीप थी ना, उन सारी शीप को मैंने खाने खिलाया, जिनका पार्टनर था उन्हें भी, इनका नहीं था उन्हें भी। फिर मैं डे 24 को पता नहीं यूँ ही सस्ते नशे करके घूमने निकल गया। एंड फिर क्या मैं थोड़ी देर बाद आ गया। फिर डे 24 की नाइट हो गई तो मैं जाकर सो गया। एंड अब हमारा फाइनली डे 25 आ गया था, जो कि हमारे वर्ल्ड में लास्ट डे था। मैंने सर्वाइव कर लिया था 25 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर एंड 1 to 25 मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम इस माइन में अभी नहीं जा रहे। एंड उस माइन में हम अभी इसीलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उस इससे पहले भी मैंने एक वर्ल्ड बनाया था जिसमें मैंने 20 डेज सर्वाइव कर लिया था। एंड 20 डेज के बाद मैं एक विच ने मेरे को मार दिया तो इसलिए भाई मेरे को माइन में जाने से डर लग रहा था क्योंकि वो विच ने मेरे को माइन में ही मारा था। एंड यही रीज़न था कि मैं उस माइन में नहीं जा रहा था। एंड अगर आप काउंट करें तो ये 25 एंड 20 वो मैंने 45 डेज सर्वाइव कर लिया हार्डकोर में, इसलिए भाई ये वीडियो इतनी लेट हो गई, नहीं तो ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाती। एंड इस वीडियो को एडिट करने में मेरे को कम से कम 8 घंटे लग गए थे तो इसलिए भाई यहाँ तक आपने वीडियो को देखी है तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर जैसे इस वाली वीडियो पर 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट उसे भी ड्रॉप कर दूंगा, तो इसलिए भाई जल्दी से इस पर 100 लाइक करवा।